Yes, आज का हमारा नया चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 17. 16 वाज द डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन. चैप्टर नंबर 17 ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, दैट्स अ ब्रीदिंग एंड द गैसेस एक्सचेंज. तो किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक्स हैं, वो समझ में जरूर आने चाहिए. अदरवाइज चैप्टर फिर उतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो नहीं पाता है. तो हम जैसे नाम दे रहे हैं, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और गैसेस एक्सचेंज का मतलब गैसेस की अदला बदली. तो एक्चुअली क्या होता है कि हम दो शब्दों को पहले समझ लें. एक शब्द है रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन का हिंदी में मतलब होता है दैट इज श्वसन, और ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना. अब बोलचाल की भाषा में ब्रीदिंग को ही लोग रेस्पायरेशन कह देते हैं. मैं जो सरल भाषा में बोलता है तो कहता है ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो टेक्निकली थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग समझता है वो ये कह देता है कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं. बट रेस्पिरेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है. तो हम पहले रेस्पिरेशन आपको दिखाएं. पहली बात आती है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है. यहां पर हम कैटाबोलिज्म करते हैं. किसकी कैटाबोलिज्म करते हैं? जो हमने फूड लिखाया इंजेशन के दौरान, उस फूड को कैटाबोलाइज करते हैं एंड जस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी. यानी रेस्पिरेशन एक प्रकार का कंबस्टन ऑफ फूड है. हम फूड को जलाते हैं, कंबस्टन करते हैं, और हमारा पर्पस होता है कि हम ऊर्जा प्राप्त कर लें. सर यही रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, कंबस्टन ऑफ फूड जस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब यह अलग बात है कि इस कंबस्टन की प्रोसेस में जब हम कंबस्टन करते हैं तो हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर पा रहे हैं या बिना ऑक्सीजन के ये कर ले रहे हैं. अगर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे हम प्रोसेस को नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो अभी मैंने तो ब्रीदिंग की बात ही नहीं की, हमने तो सिर्फ रेस्पिरेशन की बात की है. अब इसका मतलब ये होता है कि हमें ऑक्सीजन या तो चाहिए या नहीं चाहिए. लेकिन हम चूंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे यहां जो होना है ह्यूमन में वो एरोबिक रेस्पिरेशन होना है. तो खाना तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, कैसे खाते हैं, कैसे पचाते हैं, और फिर कैसे कोशिकाओं तक पहुंच जाता है. तो नीड ऑफ ऑक्सीजन. तो हम इस चैप्टर में यही डील करते हैं कि हाउ दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रीचेस टू आवर बॉडी टिश्यूज. जब क्योंकि जब तक आप ऑक्सीजन को अपने बॉडी टिश्यूज तक नहीं पहुंचाओगे तो टिश्यूज के अंदर ये रेस्पिरेशन हो कैसे पाएगा. तो हमारा चैप्टर यही है. अब इस प्रोसेस में आप सोचे, भाई हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बन तो रही नहीं है, हम एटमॉस्फेयर की एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और फिर उसी प्रोसेस में हम बाहर निकालते हैं. ये है ब्रीदिंग. यानी कह रहे हैं कि दिस ब्रीदिंग इज वन स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन. बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है. सांस लेना का मतलब जो है उसको ऑक्सीजन और CO2 से कोई लेना देना नहीं. ब्रीदिंग का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को फेफड़े के अंदर भरना और फेफड़े की हवा को बाहर निकालना. जब हम अंदर हवा भरते हैं तो उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, जब हवा हम बाहर निकालते हैं तो उसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं. तो ब्रीदिंग इतना ही है. कभी ऐसा मत कहिए ऑक्सीजन का लेना या CO2 का निकालना, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लगे. हाँ, यहां जरूर है कि हमारी जो हवा आ जाती है उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में जाती है, फिर ब्लड के माध्यम से हम टिश्यूज तक पहुंचते हैं, वहां से ब्लड से फिर वो टिश्यू सेल के अंदर जाती है जहां हम अपने रेस्पिरेशन को अंजाम देते हैं. तो हम अपने इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन तो पढ़ेंगे,
लेकिन रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, हम एनारोबिक की बात नहीं करेंगे। अब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट फूड ले लें, फूड अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम फर्मेंटेशन कह देते हैं। नाम जरूर सुना होगा, ये फर्मेंटेशन तब कहलाएगा व्हेन आवर फूड इज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमने बार बार कहा कि मेरा चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एनारोबिक की नहीं करेंगे। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास कई स्टेप्स हैं, हम एक एक करके एक एक स्टेप को पढ़ पाएंगे उसमें क्या होगा, बट उस टॉपिक में हम पहुंचे उससे पहले कुछ जनरल बातें जान लें। ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें अगर, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस है दिस, और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें इस जगह पे तो इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यह सिस्टम जो आप कह पा रहे हो ETS या ETC। तो एक सवाल आता है कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में कॉमन है। तो आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। दूसरी एक और बात आप पढ़ेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और ये दोनों जो स्टेप हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दिस। यानी आप कह सकते हैं जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कहीं पढ़ते हैं आप, तो सिर्फ आप साइटोप्लाज्म में ही रेस्पिरेशन कर पाओगे, और जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जाएंगे। क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे, इस हिस्से की बात करेंगे, तो वो तो सेल के अंदर ही होगा ना, फूड का कंबस्टन, तो हमें ऑक्सीजन तो चाहिए होगी, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, फिर इसका कंबस्टन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और संभवतः CO2 निकालेंगे, और ये CO2 हम सेल से बाहर निकाल देंगे। फिर इसी प्रोसेस को हम एटमोसफेयर के साथ जब कोरिलेट कर पाते हैं तब हम पूरी प्रोसेस को समझ पाते हैं। तो फिर से मैं अपनी अंतिम बात कहूं कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फूड इज कंबस्टेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इफ ऑक्सीजन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस एरोबिक, अगर बिना ऑक्सीजन के हम कर पाए तो एनारोबिक, अगर फूड सब्सटेंस हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो वही एनारोबिक फर्मेंटेशन कहलाएगा। ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस है जो एरोबिक एनारोबिक दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहां हम ऑक्सीजन वास्तव में यूटिलाइज करते हैं वो क्रेब्स साइकिल और ETS यानी ETC के लिए जिम्मेदार है।